आप सभी का हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब्स में स्वागत है। जॉब से एडमिट कार्ड, रिजल्ट, स्कॉलरशिप से जुड़ी सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को। आज इस वीडियो में हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं डीडीए रिक्रूटमेंट के बारे में। जो सभी कैंडिडेट्स डीडीए डिपार्टमेंट में और इसमें जॉब करना चाहते हैं वो सभी कैंडिडेट्स डीडीए रिक्रूटमेंट के लेटेस्ट वैकेंसीज़ में इसके डिफरेंट वैकेंट सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। सभी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो सभी कैंडिडेट्स इसके एप्लीकेशन फॉर्म में किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी डिटेल्स क्या हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए सभी एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हमारी इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। इसकी पूरी जानकारी जानने के लिए चलते हैं हमारी वेबसाइट gayatrijobs.com पे। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने डीडीए रिक्रूटमेंट 2019 की नोटिफिकेशन रिलीज़ करी है। इसमें टोटल 204 वैकेंट सीट्स हैं प्लानिंग असिस्टेंट, स्टेनो और अदर पोस्ट के लिए। जो सभी कैंडिडेट्स इसके एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई करना चाहते हैं वो सभी कैंडिडेट्स हमारी वेबसाइट के ज़रिए इसकी डिफरेंट वैकेंट सीट्स में अप्लाई कर सकते हैं। डीडीए एईई जॉब्स में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन प्रोसेस गेट 2019 स्कोर के बेस पे करवाया जाएगा और डीडीए में अदर पोस्ट में अप्लाइड कैंडिडेट्स का सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के बेस पे कंडक्ट करवाया जाएगा। जो सभी कैंडिडेट्स डीडीए की पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं वो सभी कैंडिडेट्स 1 जनवरी 2019 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं और डीडीए रिक्रूटमेंट थ्रू गेट के द्वारा अप्लाइड कैंडिडेट्स के लिए इसकी क्लोजिंग डेट 15 फरवरी 2019 रखी गई है। डीडीए एईई रिक्रूटमेंट में अप्लाइड कैंडिडेट्स की क्लोजिंग डेट 15 फरवरी 2019 है और डीडीए में अदर पोस्ट में अप्लाई करने की लास्ट डेट 8 फरवरी 2019 है। डीडीए असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिक्रूटमेंट में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स के पास इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, बीई, बीटेक इन सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिसिप्लिन में डिग्री होनी चाहिए और अदर पोस्ट में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स के पास 12th क्लास पास की मार्कशीट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, इंजीनियरिंग डिग्री, लॉ डिग्री और सीए की डिग्री होनी चाहिए। डीडीए में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट में अप्लाइड कैंडिडेट्स की मिनिमम एज 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स तक होनी चाहिए। डीडीए रिक्रूटमेंट में अदर पोस्ट में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपीज़ है और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट में अप्लाई करने की एप्लीकेशन फ़ीस नील है। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस कैंडिडेट्स डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के द्वारा डिपॉजिट करवा सकते हैं। डीडीए रिक्रूटमेंट में वैकेंसी डिटेल्स हैं जूनियर लॉ ऑफिसर में 5 सीट्स, प्लानिंग असिस्टेंट में 45 सीट्स, प्रोग्रामर में 3, जूनियर इंजीनियर सिविल में 3 सीट्स, सेक्शनल ऑफिसर हॉर्टिकल्चर में 2 सीट्स, आर्किटेक्चर असिस्टेंट में 10 सीट्स, नायब तहसीलदार में 6 सीट्स, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल में 11 सीट्स, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में 3 सीट्स, सीनियर लॉ ऑफिसर में 3, डिप्यूटी डायरेक्टर प्लानिंग में 6 सीट्स, डिवाइड डायरेक्टर आर्किटेक्ट में 1 सीट्स, असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग में 19 सीट्स, असिस्टेंट डायरेक्टर आर्किटेक्ट में 13 सीट्स, असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम में 5 सीट्स, असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्रियल में 9, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर में 18 सीट्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में 4, सर्वेयर में 13, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी में 20 सीट्स, असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप में 5 सीट्स। डीडीए एई रिक्रूटमेंट में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.dda.org.in। इनके इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने के बाद होम पेज पर दिए हुए जॉब्स टैब पर क्लिक करके वहाँ पर दी हुई रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल एंड असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल लिंक पर क्लिक करके आप इस रिक्रूटमेंट की कंप्लीट नोटिफिकेशन को केयरफुली रीड करके इसके एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं और सभी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हमारी इस वेबसाइट के जरिए इस लिंक पर डायरेक्टली क्लिक करके भी इसकी कंप्लीट नोटिफिकेशन को चेक करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो सभी कैंडिडेट्स डीडीए में अदर पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं वो सभी कैंडिडेट्स इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने के बाद होम पेज पर दिए हुए जॉब्स टैब में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2019 लिंक पर क्लिक करके इसकी कंप्लीट नोटिफिकेशन को चेक करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई करने के लिए हमने अपनी वेबसाइट के लास्ट में आपको एक डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करवाई है। आप इस अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर जाकर भी इसके एप्लीकेशन फॉर्म में ईजी वे में अप्लाई कर सकते हैं। और सभी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए हमारी वेबसाइट के साथ लगातार टच में बने रहिए। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।